नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। चाणक्य नीति जीवन के हर पहलू की बात करती है, हर रिश्ते के बारे में बताती है और आगाह करती है। कहते हैं कि जो लोग आचार्य चाणक्य की बातों पर अमल करते हैं, दैनिक जीवन में उनकी बातों को अपनाता है, उसे सफलता मिलती ही मिलती है। यही नहीं, धन की देवी लक्ष्मी जी भी उनका कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती हैं। आज की चाणक्य नीति दोस्ती पर है। दोस्ती सभी रिश्तों में सबसे मजबूत बताई गई है। इंसान को कई रिश्ते जन्म के साथ ही मिलते हैं, जैसे बेटा, भाई, भतीजा, भांजा आदि, लेकिन दोस्ती यानी मित्रता ही एक मात्र रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है। इसलिए दोस्ती को सबसे बढ़कर माना गया है। इसलिए दोस्ती को लेकर आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हाथ मिलाने वाला हर व्यक्ति दोस्त नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मित्रता करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए, मित्र को सभी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यदि सही मित्र विश्वास पात्र ना हो तो हानि का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वार्थी मित्रों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपसे लाभ लेना चाहते हैं। वो आपका भला नहीं चाहते, बल्कि समय का लाभ उठा रहे हैं। बुरा समय आने पर ऐसे लोग सबसे पहले किनारा करते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि मतलबी और लोभी स्वभाव वाले मित्रों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं। मतलब सिद्ध करने के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। चाणक्य नीति यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहती है, गले मिलने वाला और हाथ मिलाने वाला हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, वो चोट खाते ही खाते हैं। इसके अलावा चाणक्य नीति कहती है कि दोस्त सदैव होशियार को बनाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख दोस्त कब कहाँ आपको फंसा दे कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे आप कुछ सीखें। अगर ऐसा नहीं है तो होशियार शत्रु ऐसे मित्र से कई गुना बेहतर होते हैं जो कुछ तो आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।